प्रोफेसर अमिताभ, ये समझा दीजिए, अब ये आदेश और इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ज्यादातर ऐसा इलाका है जिस पर कब्जे का दावा रूस कर रहा है, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, रोबोटिन जो आपने मेंशन किया, वो उस पर पुतिन या उनकी सेना पिछले 2 साल से काम कर रही है, ठीक है, और इन्होंने कैप्चर भी किया था सितंबर 2022 में, लेकिन हड़बड़ में उनको वहां से छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि ब्लिट्ज़क्रीग अटैक हुआ यूक्रेन का, पूरी रूसी सेना अपने टैंकों, अपने आयुध, अपने साजो सामान को छोड़ के वहां से भागी। तो इसका डुअल पर्पस है, पहला है कि जो अभी सेटबैक्स मिले हैं यूक्रेन को, वो ज़्यादातर सेटबैक इसलिए मिले हैं कि उनको आयुध की सप्लाई जो अमेरिका से और नेटो से आने वाली थी वो रुकी हुई थी, right। दूसरा, वो अपनी उस पराजय, शर्मनाक पराजय का भी बदला लेना चाहते हैं जो सितंबर 2022 में 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच हुआ था। तो ये ट्विन प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। इस समय रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन हमने ये भी भारी नजर आ रहा है सर, इस वॉर फ्रंट का तो अपडेट हमने दे दिया, लेकिन एक जल्द अपडेट के लिए अखिल आपके पास आना चाहूंगी। अब मीटिंग चल रही है, आगे का कार्यक्रम क्या है दोनों की मुलाकात का? जी, अभी बातचीत हो रही है, और अभी जैसे आज सुबह प्रेसिडेंट शी के साथ बातचीत चल रही थी, तो बीच में अब ब्रेक टाइम हुआ है, ब्रेक हो रहा है, okay। उसके बाद जो पुतिन है वो बीजिंग में ही रहेंगे, और फिर वो अनेक और भी जो नेता है उनसे भी मुलाकात होगी, और फिर आज शाम को शायद उनके लिए एक डिनर पार्टी भी होगी, तो ये सब उनका एक प्रोग्राम रहेगा। बाकी उतना ज्यादा भी मीडिया में आया नहीं है कि उनका अगला क्या रहेगा, ठीक है, लेकिन कल वो चले जाएंगे। जो आपने जानकारी दी, अभी मुलाकात वहां पर चल रही है और कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर, चाहे वो सैन्य हो, व्यापारिक मुद्दे हो, उन सब पर बातचीत चल रही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए लगातार, और ये जो मुलाकात है इस पर हम आपको खबर दिखाते रहेंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।